दोनों हाथ उठो, हाँ ना उसको छोड़ो ना मुझे, ताली बजाओ यार।
इतना कैसे घूम लेती हो? मैंने कहा भाई कितने साल के हो? वो बोले मैं 45 साल का हूँ। मैंने कहा तुम 45 साल से घर वालों के दुनिया वालों के आगे पीछे घूम रहे हो, मैंने तुमसे पूछा इतना कैसे घूम लेते हो और तुम्हारी घूमने को उन्होंने क्या सिखा दिया? और 30-32 साल तक मैं भी परिवार के आगे पीछे घूम रही थी कि 5-7 साल से इसके आगे क्या घूमने लगे, बड़ी तकलीफ हो गई। मैं तो कह रही हूँ मैं नहीं घूम रही हूँ, वो घुमा रहा है। और जो इसके आगे पीछे घूम लेना, फिर ये उसको किसी के आगे पीछे ऐसे नहीं घूमने देता है। और ये कहते हैं इधर हो लो, ये मेरा है, इनको साइड कर दो। तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरे घूमने का राज क्या है, बीमार होके आते हैं, फिर कहीं उनको कीर्तन में राधे राधे कहते हैं, कोई भक्त मिल जाए ना, आप देख लेना गारंटी से उसको किसी ने कुछ नहीं पिलाया, बैठे बैठे उसकी मुंडियां से हिलने लग जाएगा। वो नशा जो है ना उधर से करती है। पहले ठाकुर में खोइए और फिर तू खाइए, कदे आप पे ना खप्पा बैठ जाओ।
बनाई, उसमें घी डाल दिया और ठाकुर के आगे रख दिया और हाथ जोड़ करके बोली, थाली भर के न्याय खींचो।
गुड़ की बोरी में से, बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, गुड़ की बोरी में से एक गुड़ की इतनी बड़ी डली निकाली और खिचड़ी में रख दी और थाली आगे सर कर दी। खड़े होकर के मांगे जाते, खड़े हो जाइए यहाँ से।
माफी मांगिए, बिना कोई पढ़ाई लिखाई के, बिना हमें कोई ढूंढ के वो जाने कहां से कहां बिठा देता है। पढ़े लिखे लोग आकर के सलाम करते हैं, जो गावा के दरबार की नौकरी करते हैं, आपके साथ साथ जाएंगे आगे इधर दाएं
भाई भगत के चारों तरफ भगवान का पहरा होता है। भक्ति के घर में प्रवेश करके देखिए, ताली बजाकर भी कहिए, कीर्तन की है रात बाबा भगवान तो गूंगों की भी सुन लेते हैं, तो हृदय की पुकार सुनते हैं। ये तो भगवान को हम कह रहे हैं कि जिसको तूने ये जीव नहीं दी भाई वो तो नहीं कह सकता, हमको दिए, ये तेरा बढ़िया उपकरण लगाया तूने, सारा दिन चबर चबर करते हैं, भगवान तेरा है, तो भगवान को खुशी होगी मेरी चीज दी हुई मेरे लिए इस्तेमाल करी है थोड़ी देर। जब से कहेंगे कीर्तन की है रात बिल्कुल दम कर दो और दम कर दो, कीबोर्ड कम करो, ये कीबोर्ड के चक्कर में बोल नहीं रहे हैं। कीर्तन की है रात बाबा, अरे राम जी तुम कितना सुंदर गा रही हो, क्यों मुंह बंद करके बैठी हो, एक बार और कह दो तो मैं लाना चाहिए, लाना एक ही बना जरा फोटो जा इधर को बना। कीर्तन की है रात बाबा, तुमने वादा किया था कि जब जब तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तो तुमको थन को जिस दिन शाम प्यारे घर आए।
क्वेश्चन लिख रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगी, कैसा होगा, अगर तुम आओगे तो मैं पलटे बिछा दूंगी, एप्लीकेशन लिखी है, आओगे ना शाम, मैं ऐसा करूंगी अगर तुम ऐसा करोगे, ये दो लाइनें आपकी और मेरी एप्लीकेशन जा रही है, स्वीकार करें ना करें, ये मेरी
टेढ़े फिर ऐसे भी और अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। टेढ़े टेढ़े खड़े खड़े इनको सीधा होने की जरूरत नहीं है, टेढ़ों को सीधा करने के लिए टेढ़े हो जाते हैं। और हम तो न टेढ़े हैं प्रभु न सीधे हैं, जैसे हैं सो तेरे हैं, टेढ़े नहीं है तेरे हैं। और तेरे होने के लिए समर्पण करना पड़ता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सरेंडर। जो अपने आप से सरेंडर कर देते हैं उनके आधे गुना, जैसा आप कह रहे थे अपने आप सरेंडर किया हुए, सारा सजा थोड़ी कम होनी चाहिए, पकड़ा नहीं है अपने आप सरेंडर किया, अपने आप सरेंडर कर दो सजाएं कम हो जाएगी। दोनों हाथ उठा कर के जाओ, हाँ उठाओ और गिर के सात बार परिक्रमा कर लेना यहीं पर, ताली की जरूरत है। एक दो तीन
करा लो। तूने कहा लगाई इतनी देर, अरे हो सावरिया
सारे तूने कहा लगाई तीजी अरे ओ सावरिया Hey!
Coming.
चुन्ने ही नहीं होंगे तो रंग कैसे डालेंगे। और देखो राधा रानी तो अपनी चुन्नी पकड़ के इतना सुंदर घूमती है ना, आपने भी घूमना है साथ में मिलकर के, सारी मिलकर के चुन्नी उड़ के मेरी
को आज के रस उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और बाबा के चरणों में आएंगे, बाबा की सुंदर आरती होगी। सभी से मेरी प्रार्थना है, सभी आ जाए। Who is
का कल्याण हो, कीर्तन का